तो गाइस आज पापा ने ना 4 ग्लासेस में दूध लिया है और बोला है कि एक ट्रिक है और इसको 94% लोग रॉन्ग ही आंसर देते हैं। अब इसको जानना है तो पापा को तो बुलाना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज मैं गणित के कुछ ऐसे प्रश्न आपको देने वाला हूँ और इस प्रश्न को हल करने का इतना बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ ना कि आपको लगेगा कि ये वाला ट्रिक हमें पहले क्यों नहीं पता था। और ये वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मेरा प्रशिक्षण था और उस प्रशिक्षण में शिक्षक लोग आए थे और उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था और उस ट्रेनिंग में एक चैलेंजिंग प्रश्न दे दिया गया था और समय दिया था 2 मिनट का। मतलब आप जान जाओ कि अगर किसी को कम समय दिया जाए, टारगेट दिया जाए, चैलेंज दिया जाए तो कितने लोग गलत करते हैं। मतलब आपको कम समय में उस प्रश्न को बनाने का अगर चैलेंज दे दिया जाए ना तो आप क्या करेंगे। ऐसा ही चैलेंज दिया गया था, उसमें 70-80 लोग रहे होंगे, उनमें से शुरुआत में कितने लोग सही बनाए हैं करके पूछा गया तो बहुत सारे लोग गए, 10-15 लोग सामने चले गए कि हमने सही बनाया है। और जब उसको वास्तविकता जांच किया गया तो पता चला कि अरे इन लोगों ने तो गलत बनाया है। मतलब हर बड़ी में गड़बड़ी, और आपसे हर बड़ी में गड़बड़ी ना होना उसी लिए, मतलब उस ट्रिक को आपको बताने वाला हूं जिससे आप गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 4 ग्लास दूध लिया है। देखिए अब दूध मैं इतना मात्रा में लिया हूं ना ताकि आपको ट्रिक को एकदम बेहतरीन तरीके से और आपके सामने प्रैक्टिकल करके समझा सकूं। अब मेरे तो 2 ही हाथ है तो 2 हाथ मैंने राघव का ले लिया, 4 हाथ हो गया। अब 4 ग्लास आपको यहाँ पर दूध दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई याद रखिए ये पूरा भरा हुआ नहीं है। अब इन 4 ग्लास दूध को ध्यान दीजिएगा, इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो हम किस रूप में लिखेंगे, चलिए मैं आपको 2 प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ऊपर रखो राघव, ये 4 ग्लास आपको जो दूध दिखाई दे रहा है इसको मुझे भिन्न के रूप में लिखना है। तो मैं किस रूप में प्रदर्शित करूंगा, किस रूप में लिखूंगा, और हमें जो प्रश्न किया गया था वो कौन सा था वो भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसको देखिए, हमने 4 ग्लास जो दूध लिया है ना, ये प्रत्येक गिलास, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना रहा होगा। निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं, ये जो गिलास का जो दूध है वो लगभग 1/3 है, मतलब ठीक से 1/3 मैंने इसमें नाप के रखा है। अब इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और पहले आपको उस प्रश्न को समझा देता हूँ जो हमसे किया गया था, और इस प्रश्न को प्रूफ करने के लिए मैंने ये 4 गिलास वाला ट्रिक अपनाया है। अब इस गणित को हम कैसे बनाएंगे, 94% गलत जवाब क्यों देते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत लोग सही जवाब दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये वीडियो केवल और केवल उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको मतलब भिन्नों के रूप में प्रदर्शित करने में गड़बड़ी होता है। अब कहां पे गड़बड़ी होता है ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूं, इसको थोड़ा बेक करो, थोड़ा गणित पर नहीं होगा क्या, आगे करो, एक नया पेज बना दो, नया पेज बना देते हैं। देखिए हमको प्रश्न किया गया था, अगर हमें यह कहा जाए 4/3 को आपको भिन्न के रूप में लिखना है, तो समझ आ गया 4/3 जो है भिन्न के रूप में है, लेकिन 4/3 भिन्न के रूप में है, इस भिन्न को आपको भैया चित्र रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि ये 4/3 है, इसको भिन्न तो है लेकिन इसको आपको चित्र के रूप में प्रदर्शित करना है। तो क्या आप चित्र रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं 4/3 को, और यदि हाँ तो चलिए आप लोग 4/3 को भिन्न में कैसे लिखेंगे, मतलब चित्र के माध्यम से, छाया चित्र में प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई ये कहता, अगर आप क्या करते यहाँ पर 3/5 इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए कहा जाता तो आप क्या करते यहाँ पर चित्र बनाते हैं। देखिए इस प्रकार आप चित्र बनाते, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बराबर भाग में होता, भाई ऐसा नहीं होता, ये 5 बराबर भाग में होता, और इस 5 बराबर भाग को आप क्या करते, अरे 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 गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर हम क्या करते 5 बराबर भाग में ले लेते हैं, ये देखिए, चलो मान ले जाए कि ये 5 बराबर भाग है, तो इनमें से 3/5 मतलब ये 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया और ये 3 भाग हो गया, तो ये 3/5 लिखा हुआ है क्योंकि 3 भाग छायांकित है और टोटल 5 भाग है, तो ये 3/5 है, लेकिन हमें टारगेट दिया गया था 4/3 का। अब चलिए 4/3 को चित्र रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं तो बताऊंगा। अब थोड़ा सा बेक करो रहा हूं, पहला वाला पेज ले आओ, ये हमने 4 ग्लास दूध लिया था, अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमें इनको चित्र रूप में प्रदर्शित करना होता, किसको, 4/3 को, तब हम क्या करते। अब पूरा प्रैक्टिकल आपके सामने कर रहे हैं, आपके सामने प्रैक्टिकल करने के लिए हमने यहाँ पर 4 गिलास दूध ले रखा है, ये देखिए 1 गिलास दूध,
जो कि एक तिहाई है, मैंने आपको बता रखा है एक तिहाई दूध है, ठीक है। अब ये भी एक तिहाई है, मतलब प्रत्येक गिलास के जो दूध है वो एक तिहाई है, परफेक्ट है, फिक्स है। अब हमने टोटल उठा रहा है उसको भी, टोटल चार गिलास आपको दिखाई दे रहा है दूध। अब मैंने पहले बता रखा है कि अगर ये चार गिलास दूध है और तीनों अगर एक तिहाई है, तो मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, मैं यहां पर कुछ भी गड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, आपके सामने इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। अभी मैंने, अब देखिए गिलास का साइज भी एकदम क्या है, बराबर है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, अब इन दो गिलास में हमने दूध लिया, ध्यान दीजिएगा दो गिलास में दूध था, तो दोनों को हमने मिला दिया और दोनों दूध की मात्रा बिल्कुल समान था। अभी इसमें हमने जो दूध लिया था वो एक तिहाई था, अब बताओ इसमें जो दूध है वो कितना है। याद रखिए इसको आप आधा नहीं बोलेंगे, आधा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एक तिहाई था, अब इसको हमने उसके दो भाग को मिला दिया, मतलब ये कहा जाए कि ये आधा से ज्यादा है। मतलब इसमें अगर हम इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे ना दूध को, तो ये मतलब दो भाग में है और एक भाग इसमें और आएगा, मतलब ये कितना हो गया, आप दो तिहाई हो गया। अब इसी में अगर हम एक भाग को और मिला दें, देखिएगा गिरे मत, वैसे ना गिरे, और हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यहां पर देखिए मैं आपके सामने ही मिला रहा हूं और ज्यादा न छलक पाई इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा से कम ले लिया था। ये देखिए ये एक तिहाई है, थोड़ा से कम मैंने इसलिए लिया था कि ये छलके मत, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि जब हमने तीन गिलास जो हमने एक तिहाई लिया था उसको मिलाया, तब ये एक गिलास बना, और ये वाला जो दूध है वो अभी भी एक तिहाई है। मतलब अगर एक तिहाई गिलास को हमने चार गिलास लिया था, उसको उसके तीन गिलास के दूध को हमने इस प्रकार भरा, तो ये एक गिलास बना और ये एक तिहाई, मतलब आपके सामने प्रैक्टिकली चित्र रूप में प्रदर्शित हो गया है। क्या चार बटे तीन, देख लीजिएगा ये पूरा गिलास और ये एक बटे तीन है ना, एक तिहाई। अब इसको मैं आपको गणित के सामने, गणित के रूप में प्रूफ कर रहा हूं और चित्र रूप में भी आपको प्रदर्शित करके बताऊंगा कि हमें क्या कहा गया था, उसको चित्र रूप में प्रदर्शित करें, ठीक है। राघव आपको अभी आप समझ नहीं आएगा, आप जाओ मैं गणित बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये जो गणित है आपके सामने समझ आएगा कि ये जो है वो कितना था, एक तिहाई दूध भरा हुआ है, इसमें भी एक तिहाई ही दूध भरा है, इसमें भी एक तिहाई ही दूध भरा है, इसमें भी एक तिहाई ही दूध भरा है। अभी मैं आपको गणित समझा रहा हूं, इसको चित्र रूप में प्रदर्शित करना बताऊंगा कि देखिए भिन्न तो आपने पढ़ा होगा, सम भिन्न और विषम भिन्न, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें, ये एक तिहाई है, तो अगर ये एक तिहाई है, ये गिलास भी एक तिहाई है और इस गिलास का दूध भी एक तिहाई है, और ये भी पता है कि इस गिलास का भी एक तिहाई है, लेकिन हम क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे। तो इनको तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो नीचे में तो तीन आएगा, और ये देखिए एक दो तीन अर्थात तीन आएगा, प्लस एक बटे तीन आएगा, इसको हम कटा लेंगे कितना आएगा, एक आएगा। मतलब और ये एक क्या है, ये एक गिलास दूध, ठीक है। अर्थात एक गिलास ये हो गया, थोड़ा सा चित्र को छोटा कर देते हैं, यहां पर ऊपर ले जाते हैं, ये देखिए अब आपको समझ आ गया होगा कि इसको हमने कटाया तो एक गिलास दूध बना और यहां पर एक तिहाई दूध बचा हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला एक तिहाई दूध बचा हुआ है। अब देखिए इसको यदि हम जोड़ते हैं तो हमको पता है कि भिन्न का मतलब क्या होता है, कई लोग भिन्न को नहीं समझ पाते हैं। अगर यहाँ पर दो सही तीन बटे पांच लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर गुना बिल्कुल भी नहीं होता, याद रखिएगा यहाँ पर प्लस होता है, मतलब दो प्लस तीन बटे पांच, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। अर्थात जब ये इस रूप में दिया है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सही एक बटा तीन। अब ये एक सही एक बटा तीन है, इसको अगर हम हल करेंगे, है ना, हल करेंगे तो इसमें प्लस माना जाता है ना, प्लस इसको इस रूप में लिखा जाएगा जैसे यहां पर लिखा गया है। तो इसको अगर हम और हल करते, पांच दूनी दस और तीन तेरह, अर्थात इसको हम इस प्रकार लिखते तेरह बटे पांच, ठीक है, ये परफेक्ट हो जाता, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको हम किस रूप में लिखेंगे, तीन एक कम तीन और एक चार, यहां पर कितना हो गया, चार बटे तीन, और इसी को हमें चित्र रूप में प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। मैंने प्रैक्टिकल किया तब मुझे ये मिला, ये एक गिलास और ये एक तिहाई, अर्थात पहला चित्र आपको मिल गया है, आप इस प्रकार चित्र बना सकते थे। अब इसको हमें और बहुत सारे चित्रों के माध्यम से बताना होगा, तब हम क्या करेंगे, तो चलिए आपके सामने हम चित्र रूप में बता रहे हैं। अगर हमें, ध्यान दीजिएगा, चार बटे तीन को, अब देखिए अगर मुझे तीन बटे चार को भिन्न रूप में लिखना होता तब मैं क्या करता, मैं तो बहुत सारे चित्र बनाता, लेकिन उनमें से मैं ये वाला चित्र बनाता जिसमें चारों बराबर है। यहां पर अब बराबर तो नहीं बनेगा, तीन बटे चार मतलब टोटल चार भाग है, उनमें से तीन भाग रंगा हुआ है, ये देखिए तीन भाग रंगा हुआ है, ये आपका चित्र रूप में प्रदर्शित हो गया तीन बटे चार। भाई चार बटे तीन को हम कैसे भिन्न रूप में प्रदर्शित करें, तो इसके लिए 100% तय है
आपको दो चित्र लेने होंगे, मतलब दो चित्र लेना ही पड़ेगा तभी आप जो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर इस प्रकार का भिन्न दिया है जिसमें अंश के मान बड़े हैं और हर के मान छोटे हैं, यहां पर देखिए अंश का मान छोटा है हर का मान बड़ा था, तो इस रूप में लिखेंगे। अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले यदि आप इसको एक सही यहां पर क्या करते एक बटे तीन लिखते तो आपको समझ आ जाता कि इसका मतलब है एक बटे तीन, जो कि मैंने यहां पर पिछले पेज में बता रखा है पूरा जोड़कर, देखिए पूरा रिवर्स जोड़कर के मैंने पूरा समझाया है एक चीज को, तो आपको समझ तो आ गया होगा। अब इसको आप हल करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई यहां पर एक पूरा चित्र, ये पूरा चित्र को प्रदर्शित करता है और ये एक तिहाई को प्रदर्शित करता है। मतलब अगर आप यहां पर कोई गोला बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो सेम गोला बनाना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना है, दो सेम गोला बनाना है, एक ही साइज के दो सेम गोला बनाएंगे। अब दो सेम गोला बनाए उनमें से इसको आपको क्या करना पड़ेगा, तीन बराबर भागों में डिवाइड करना होगा इसको, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करना है इसका पूरा भाग लेना है, मतलब इस वाले का आपको पूरा भाग ले लेना है। हालांकि इसको भी आपने तीन भाग किया रहा, ठीक है, तीन भाग किया थे इसको, लेकिन इसका पूरा भाग लेंगे इस रूप में, और इसका क्या करना है केवल एक भाग लेंगे। ये देखिए एक भाग लेंगे, सेम आकृति के दो चित्र लेंगे, एक पूरा भाग लेंगे और एक का इस प्रकार तीन बराबर भागों में बांटकर एक भाग को हम छायांकित करेंगे और इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर भिन्नित रूप में क्या आएगा, ये कितना आएगा, चार बटे तीन, अर्थात चार बटे तीन को भिन्न रूप में हम इस प्रकार क्या करेंगे, लिखेंगे। इसको और भी अलग प्रकार के चित्रों के माध्यम से आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग चित्र बनाना पड़ेगा। आप इसको वर्गाकार चित्र में भी बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो हमने इस प्रकार बनाने का प्रयास किया है। अब आप इसको कितने प्रकार से बना सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहे तो इस प्रकार वृत्त के रूप में बना सकते हैं, वर्ग के रूप में बनाना चाहे तो वर्ग के रूप में भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे आकृति के माध्यम से इस चित्र को आप समझा सकते हैं, ठीक है। आप इसको चाहे तो इस प्रकार आयताकार चित्र भी बना सकते थे, इस प्रकार आयताकार चित्र बना लिए, यहां पर आपको आयताकार चित्र तो बनाना है, ठीक है, सेम बनाना है, लेकिन इसको आपको बराबर तीन भाग करना है और इसको ही बराबर तीन भाग करना है और दोनों आकृति बिल्कुल समान रहेगा भाई। लेकिन ये वाला भाग को पूरा छायांकित कर देंगे, ये देखिए ये पूरा भाग ले लिए और इसका आपको क्या करना है, इसके आपको केवल एक भाग को छायांकित करना है, ठीक है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ तो आ गया होगा कि हमने इस प्रकार के जो आकृति है उसको कैसे बनाया है। अब ये परफेक्ट है कि आपका उत्तर जो है एकदम परफेक्ट है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही सरल तरीके से और आसानी से समझ आया होगा। याद रखिए ये वाला भाग पूरे आकृति को बता रहा है और ये भाग जो है एक तिहाई भाग को बता रहा है। इन पूरे भाग को यदि हम हल करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा, चार बटे तीन आएगा। और इसको मैंने पूरा प्रैक्टिकल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और ऐसे ही शानदार वीडियो आप देखना चाहते हैं या गणित के जादू वीडियो सीखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। मैंने दो तीन ऐसे प्लेलिस्ट बना रखे हैं जो बहुत ही उपयोगी है बच्चों के लिए। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 369 अंकों का रहस्य। इसमें मैं 1 से लेकर 9 तक के अंकों पर गणित के बेहतरीन जादुई वीडियो बना रहा हूं, जिसको आप देखेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा और यकीन तो करना पड़ेगा वीडियो को देखने के बाद। वैसे ही मैंने मैथ्स मैजिक जादुई गणित नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, उसको भी देखिए। और अगर आप किसी भी प्रकार का मैजिक स्क्वायर, जिसको वर्ग पहेली बोलते हैं, 3x3 का, 4x4 का, 5x5 या फिर 10x10, जितने ही बड़ा वर्ग पहेली आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, मैजिक स्क्वायर जादुई वर्ग पहेली। तो ये तीनों प्रकार के बहुत सारे प्लेलिस्ट है, लेकिन ये तीन विशेष प्लेलिस्ट है, उनको आप जरूर देखिएगा। ऐसे ही दो शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।